वेलकम टू माई चैनल प्रभ ट्यूटरिंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। अब हम करने जा रहे हैं रेंज कैसे फाइंड आउट की जाती है डिस्क्रीट सीरीज में, इवन कोफिशियंट ऑफ रेंज कैसे फाइंड आउट किया जाता है डिस्क्रीट सीरीज में, यानी कि डिस्क्रीट सीरीज एंड रेंज। सो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। हमें गिवन है, साइज गिवन है हमें 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18। फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें 1, 13, 24, 14, 15, 13, 16 एंड 20। देखो, मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज में रेंज का फॉर्मूला बताया था, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। सो फ्रेंड्स, जो ये फॉर्मूले थे ये डिस्क्रीट सीरीज में भी सेम रहेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट कि डिस्क्रीट सीरीज में रेंज कैसे फाइंड आउट की जाती। बस हमने सेम तरीका अपनाना जो हमने इंडिविजुअल सीरीज में अपनाया था, हमने डिस्क्रीट सीरीज में रेंज फाइंड आउट करते फ्रीक्वेंसी को नहीं लेना, फ्रीक्वेंसी का कुछ भी लेना देना नहीं है। हम सीरीज के डाटा में से सबसे पहले चेक करेंगे हमारी हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट हमें गिवन है 18 एंड लोएस्ट वैल्यू हमें गिवन है 10। सो रेंज आ गई हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, दैट इज 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। अब हम करेंगे कोफिशेंट ऑफ रेंज कैलकुलेट, कोफिशेंट ऑफ रेंज दैट इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। यानी हाईएस्ट हमारे पास 18 थी, लोएस्ट है 10, हाईएस्ट 18 थी, लोएस्ट है 10। सो 18 माइनस 10 8 आ गया, 18 प्लस 10 28 आ गया। और आप इसको सॉल्व करते हैं, 8 डिवाइडेड बाय 28 हमारे पास आ गया 0.29, दैट इज आर कोफिशिएंट ऑफ रेंज इन डिस्क्रीट सीरीज। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि डिस्क्रीट सीरीज में रेंज और उस कोफिशिएंट ऑफ रेंज को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सो फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन ऑफ माय चैनल, ताकि जब भी मैं आपको वीडियो डालूं कोई भी, आपको साथ के साथ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड प्रेस बेल आइकन ऑफ माय चैनल प्रभ ट्यूटरिंग।